इसी तरीके से आपके बगल में जो आपके बच्चे हैं उनको कहिए कि प्रत्येक दिन मंदिर जाया करें, ये सबसे पहले आवश्यक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मंदिर जाया करिए और साथ में अपने बच्चों को भी अवश्य ले जाया करिए। ये मैं प्रत्येक दिन आप लोगों से बात बार बार कहता हूँ, नहीं तो उस मंदिर पे क्या बनेगा पता है ना। हाँ एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस हफ्ते मैंने जिनकी कुंडली चुनी है और इस हफ्ते जो रविवार के कार्यक्रम में जो कुंडली का चुनाव किया गया है वो नाम जितेंद्र सिंह विष्ट का है। ये पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड वाले, डेट ऑफ बर्थ इनका है 15 जनवरी 1985 और इनकी कुंडली बनती है तुला लग्न की। सवाल इन्होंने पूछा है अभी 2 घंटे पहले ही, इन्होंने लिखा हुआ है अभी 2 घंटे पहले ही जो मैंने पंचांग डाला है उस पर लिखा है कि कुंडली में सरकारी सेवा का योग है, अगर है तो कब तक लगेगी, आईएएस में लास्ट में रह गया था, अब पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं पंडित जी, पिछले साल शनि महादशा में सूर्य अंतरदशा में मरते मरते बचा हूं, शनि महादशा अभी भी चल रही है, कैसा परिणाम रहेगा। ये इनके सवाल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, आज ही मैं मंदिर जा रहा था तो बीच में एक महिला मिल गई और उन्होंने पूछा कि पंडित जी बड़ी परेशानी में हूँ थोड़ी सी, मेरी कुंडली देख लेते हैं। मैंने कहा कि आपके पति का नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बताया। मैंने कहा कि वो अभी परेशानी में है और कुछ दिन रहेंगे, तो उन्होंने कहा क्या करूँ। मैंने कहा मंदिर जाया करिए जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा बस ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने जीवन में प्रत्येक सनातन धर्म में जन्मा व्यक्ति चाहे वो मूर्ति पूजक हो या ना हो, वस्तुतः भक्ति का सिद्धांत यही कहता है मंदिर जाया करिए। आज ही नहीं कल मेरी बात पाकिस्तान के किसी एक व्यक्ति से हुई जो पंजाब प्रांत में थे, जो है वो विभाजन से पहले, विभाजन के बाद वो मुंबई में रहने लगे। उनके पोते से मेरी बात हो रही थी और वो MBA कर रहे थे, हैं अभी वर्तमान में। मैंने पूछा कि मंदिर जाते हैं, तो सामने से आवाज़ आती है नहीं। मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा कि बेकार लगता है। मैंने कहा क्यों, उन्होंने कहा बकवास लगता है। मैंने कहा क्यों, तो बोले कि लगता है बेकार का काम है, कुछ है नहीं। मैंने कहा कि क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नौकरी करता हूँ। मैंने कहा कितना कमाते हैं, तो बोले ये कैसा सवाल है। मैंने कहा बताओ, 2000 के लड़के हैं वो, 2000 साल 2000 का जन्म था उनका, आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, ये सामने की बात है। तो मैंने कहा कितना कमाते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी MBA मैंने फाइनल किया है और 25,000 की नौकरी मिल रही। मैंने कहा कि मुझे पता है मैं कितना कमाता हूँ, तो आपको पता है कि मैं कितना कमाता हूँ, तो बोले कि आप तो पंडित जी बड़ी पैसा कमाते होंगे। मैंने कहा कि बिल्कुल, तो मैंने कहा कि कारण उसका बताऊँ कि मैं क्यों आपसे ज़्यादा कमाता हूँ, तो बोले कि क्यों। मैंने कहा क्योंकि मैं मंदिर जाता हूँ, बस अंतर स्पष्ट है। आपके पिता ने आपके ऊपर कितना खर्च किया था, उन्होंने कहा कि बहुत पैसे खर्च किए थे। मैंने कहा मेरे पिता ने मेरे ऊपर इतना खर्च नहीं किया था, पर मैं आपसे ज़्यादा कमाता हूँ और आपसे ज़्यादा संतुष्ट भी हूँ और खुश भी हूँ, और बहुत अच्छी बात है कि मैं प्रसन्नता से अपना जीवन जी भी रहा हूँ, जबकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सामने वाले से बर्ताव कैसे किया जाता है। ये बात मैंने उनसे कही। आज उनकी दूसरी कुंडली जब मेरी माता जी ने उनकी मतलब उनके बड़े भाई की कुंडली जब दिखलाई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके छोटे बेटे क्या बोल रहे थे मुझसे बात करने के बाद, तो उन्होंने कही कि पंडित जी वो मान गया है और वो प्रत्येक दिन अब मंदिर जाएगा, ऐसा उसने कहा है। मैंने कहा आज गए थे, तो बोला आज शाम को जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। मैं इसी तरीके से आपके बगल में जो आपके बच्चे हैं उनको कहिए कि प्रत्येक दिन मंदिर जाया करें, ये सबसे पहले आवश्यक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मंदिर जाया करिए और साथ में अपने बच्चों को भी अवश्य ले जाया करिए। ये मैं प्रत्येक दिन आप लोगों से बात बार बार कहता हूँ, नहीं तो उस मंदिर पे क्या बनेगा पता है ना। हाँ आइए मैं सबसे पहले आपको इनकी कुंडली से मिला देता हूँ और यूं बता देता हूँ कि इन्होंने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है, तो कैसे जानेंगे कि किसी भी कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए आप अगर ज्योतिष के जानकार हैं, थोड़े बहुत अगर ज्योतिष की समझ है और परख रखते, जैसे मैं आपको, जैसे जो लोग नहीं जानते ज्योतिष के कुछ मूल सिद्धांत जो छोटे हैं
कि कैसे ग्रह इधर से उधर बैठ जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं। 12 राशियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली राशि मेष राशि होती है, दूसरी राशि वृषभ राशि, तीसरी राशि मिथुन, चौथी कर्क, पांचवी सिंह, छठवीं राशि कन्या, सातवीं तुला, आठवीं वृश्चिक, नवीं धनु, दसवीं मकर, एकादशवीं राशि, ग्यारहवीं राशि कुंभ और बारहवीं राशि मीन। और प्रत्येक राशि के, जैसे ये मान लीजिए 12 घर हो गए 12 राशियों के लिए, 12 राशियां तो 12 घर हो गए, क्योंकि एक राशि में कोई एक ही राजा रहेगा। एक घर बना तो उसके अधिपति मंगल बन गए, दूसरा बना तो इसके शुक्र हो गए, तीसरा घर बना उसके अधिपति बुध हो गए, चौथा कर्क राशि तो चंद्रमा बन गए, पांचवी राशि सिंह की बन गई तो ये सूर्य हो गए इसके अधिपति, अधिपति मतलब उसका मालिक, और 6 नंबर की राशि के अधिपति कन्या राशि तो बुध हो गए, 7 नंबर राशि बनी तो इसके अधिपति तुला राशि तो शुक्र हो गए, 8 नंबर में वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल हो जाते हैं, 9 नंबर जहां लिखा हो वहां गुरु को देखना होता है, देव गुरु बृहस्पति धनु राशि के अधिपति, 10 नंबर अगर जहां लिखा हो तो उसका अर्थ होता है मकर राशि जिसके अधिपति शनि होते हैं, 11 नंबर अगर लिखा हो तो ये कुंभ राशि होती है जिसके अधिपति स्वयं फिर से शनि हो जाते हैं, 12 नंबर अगर जहां आपकी कुंडली में लिखा है इसका मतलब है कि वो मीन राशि है और इसके लिए आपको वापस फिर से देव गुरु बृहस्पति को देखना चाहिए, मतलब ये राशि और ये उसके अधिपति, क्लियर है। अब जैसे हमें ये देखना है कि मेरी कुंडली में सप्तमेश कौन होते हैं, तो इसे कैसे जानेंगे कि सप्तमेश क्या है, सप्तमेश शब्द क्या है, तो ये कुंडली का पहला भाव है, ये दूसरा भाव मतलब लग्नेश पहला भाव या प्रथमेश कह सकते हैं, हालांकि प्रथमेश नहीं कहा जाता ज्योतिष की भाषा में, इसे लग्नेश कहा जाता है क्योंकि इसे लग्न कहा जाता है, ये आप जातक स्वयं, ये दूसरा भाव तो द्वितीयेश, ये तीसरा भाव तो तृतीयेश, ये चतुर्थ भाव तो चतुर्थेश, ये पंचम भाव तो पंचमेश, ये छठा भाव तो षष्ठेश, ये सातवां भाव तो सप्तमेश, ये आठवां भाव तो अष्टमेश, ये नवम भाव तो नवमेश, ये दशम भाव तो दशमेश, ये ग्यारहवां भाव तो एकादशेश, ये बारहवां भाव तो द्वादशेश। अब सप्तमेश कौन है, तो ये सातवां भाव है, तो सप्तमेश यानी कि मंगल राशि बनी मेष राशि, इसके अधिपति कौन होते हैं, मंगल, वो कहाँ बैठे, तो जन्म कुंडली में पंचम भाव में। द्वितीयेश कौन है, तो द्वितीय भाव ये है, यहाँ के अधिपति मंगल, वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल यहाँ बैठ गए। अष्टमेश कौन है, अष्टम भाव ये भाव है, यहाँ क्या लिखा है, 2 नंबर, इसके अधिपति कौन है, शुक्र है, क्योंकि वृषभ राशि के अधिपति शुक्र होते हैं, वो कहाँ बैठे, जन्म कुंडली के पंचम भाव में। ये ऐसे कुंडलियां देखी जाती है, उस भाव का अधिपति कहाँ बैठा। अब इन्होंने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है, तो इसके लिए आपको ये देखना होगा कि जन्म कुंडली में सरकार का भाव कौन सा है, और इन 12 भावों से दुनिया के जितने शब्द हैं, दुनिया भर की डिक्शनरी इकट्ठा करिए और कोई एक शब्द आप उसमें से निकालिए, कोई एक वर्ड आप निकालिए अंग्रेजी का या हिंदी का। जैसे आपको मैं अभी वर्तमान में एक बड़ा शब्द परिचित है, आइसोलेशन, आइसोलेट, जैसे कोरोना काल में ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, प्रचलित हुआ था, उसके पहले शायद ही कोई जानता। तो आइसोलेशन शब्द जो है वो आपको कोरोना में भले ही सुनने को मिला हो, पर वस्तुतः इसे इस अंग्रेजी शब्द के जो हिंदी अर्थ होते हैं एकांत, अकेले, वो बहुत पहले से प्रचलित है और वो कोई नई बात नहीं है ज्योतिष विद्या के लिए, ज्योतिष जैसे डिक्शनरी के लिए, इस विद्या के डिक्शनरी के लिए। और इसके कारक क्षेत्र में शनि आते हैं, मतलब ये जो शब्द है इसका मालिक शनि होता है। ठीक उसी तरीके से जो आप गवर्नमेंट शब्द सुनते हैं, जो एक डिक्शनरी, एक अंग्रेजी का वर्ड है गवर्नमेंट, सरकार, तो उसका जो अधिपति होता है, मतलब वो जो जिसके कारक क्षेत्र के अंदर उस शब्द पे जिसका अधिपत्य है या जो उसको रूल करता है, उसको 2 ग्रह मिलकर के रूल करते हैं, 3 ग्रह मिलकर के रूल करते हैं, गुरु, सूर्य और शनि। मतलब सर्वोत्तम तो सूर्य का उस पर अधिकार होता है, कुछ तरीके से उस पर गुरु का अधिकार होता है और कुछ तरीके से, कुछ मामलों में उस पर शनि का अधिकार होता है। ये 3 ग्रह जब जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हो जाते हैं तो व्यक्ति सरकार से जुड़ जाता है, सरकार से या सरकार पे उसका आधिपत्य होता है। और इन 3 ग्रहों को जो बल देते हैं वो देते हैं चंद्रमा। मतलब अगर इन 3 ग्रहों के पास बल हो और अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा बलवान ना हो तो निसंदेह इन 3 ग्रहों का प्रभाव कमजोर हो जाता है, फिर आपकी मशक्कत 4 गुनी बढ़ानी पड़ती है, क्लियर है। तो यहां पे जैसे ये 12 जो भाव हैं और 9 जो ग्रह हैं, ये नवग्रह और 12 राशियां और 12 भाव
दुनिया भर के जितने शब्द हैं, चाहे वो किसी भी सभ्यता से आए हों, वो किसी न किसी ग्रह के अंतर्गत आते हैं और कारक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आप कोई भी शब्द ढूंढ लीजिए और उसका अर्थ पूछिए कि वो कहां से किस ग्रह के अंतर्गत आता है। ज्योतिष विद्या के अंतर्गत उस शब्द के जरूर ही कोई ना कोई कारक ग्रह के अंतर्गत वो शब्द आएगा। क्लियर है? तो सरकार जो शब्द है वो यहां से, मतलब वो जो भाव है वो इस भाव से विचार किया जाता है और उसके लिए सूर्य सर्वाधिक, मतलब उस सरकार शब्द के जो कारक ग्रह है वो सूर्य आते हैं, सूर्य के अंतर्गत वो शब्द आता है। जैसे आइसोलेशन, तो आइसोलेशन जो है वो शनि के अंतर्गत आता है। क्लियर है? तो हमें सबसे पहले दशम भाव को देखना होगा। तो दशम भाव के अधिपति बन गए चंद्रमा। अब अगर चंद्रमा अष्टम में बैठ जाए, छठवें बैठ जाए, बारहवें बैठ जाए या तृतीय बैठ जाए, तो ये जातक के लिए मुश्किल हो सकती है कि उसको सरकारी नौकरी मिले। लेकिन अगर दशम भाव के अधिपति एकादश में बैठे हों, पंचम बैठे हों, सप्तम बैठे हों, चतुर्थ बैठे हों, लग्न में बैठे हों, द्वितीय में बैठे हों, पंचम में बैठे हों, तो ये अच्छी बात होगी। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि दशम भाव के अधिपति लग्न में ही बैठे हैं, और कोई भी ग्रह जब लग्न में बैठ जाता है तो वो अतिरिक्त बल प्राप्त कर लेता है। और याद रखिएगा कि हमें हमेशा ही ये बात याद रखनी चाहिए कि शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है। इसका मतलब यह होता है कि शुभ ग्रह कौन कौन से ग्रह होते हैं, अब बात यहां पे उठती है। तो शुभ ग्रह होते हैं शुक्र, शुभ ग्रह होते हैं चंद्रमा, शुभ ग्रह होते हैं बुध और शुभ ग्रह होते हैं गुरु। पापक ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो पापक ग्रह होते हैं शनि, पापक ग्रह होते हैं मंगल मूलतया, पर राहु और केतु इनको भी नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह ही कहा जाता है, और सूर्य क्रूर ग्रह के अंतर्गत आते हैं, मतलब उनमें क्रूरता होती है। मंगल पापक ग्रह है, शनि पापक ग्रह है, सबसे ज्यादा पापक ग्रह शनि है, दूसरे नंबर पे पापक ग्रह मंगल है, तीसरे नंबर पे पापक ग्रह के रूप में या क्रूरतम ग्रह के रूप में राहु आ जाते हैं, चौथे नंबर पे केतु। हालांकि केतु शुभ ग्रह के गुण से ज्यादा लैश है, मतलब उनके पास जो बंदूक है उसमें जो गोली चलेगी वो थोड़ी कम असर करती है पाप के मामले में, और जो राहु के पास जो बंदूक है उसमें जो गोली चलेगी वो थोड़ी तीखी ज्यादा होगी। या फिर ये दोनों ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो शुभ ग्रह के साथ बैठेंगे तो शुभ ग्रह और पापक ग्रह के साथ बैठेंगे तो पापक ग्रह। ठीक यही स्थिति बुध के साथ भी हो जाती है। वो ऐसा ग्रह है जो किसी शुभ ग्रह के साथ बैठेगा तो शुभ ग्रह हो जाएगा और किसी पापक ग्रह के साथ बैठेगा तो पापक ग्रह हो जाएगा। क्लियर है? तो चतुर्थ भाव में या अपने भाव से चतुर्थ बैठे और शुभ ग्रह होकर के शुभ ग्रह की राशि में, शुक्र शुभ ग्रह होते हैं तो शुभ ग्रह की राशि में बैठ के, यानी कि इसका मतलब है कि योग है। दूसरे नंबर पे ज्योतिष में, जैसे आप लोग गणितीय पक्ष में सूत्र कई होते हैं, जैसे होता है ना एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम वन एम टू बट आर स्क्वायर, कैसे ऐसे करके कुछ सूत्र होता है ना, हो ऐसे जी एम वन एम टू बट आर स्क्वायर ऐसे कुछ करके है, वो पता नहीं ऐसे कुछ सिद्धांत सूत्र है ना, वो भौतिकीय में एक बार देखा था कभी मेरे भाई साहब पढ़ रहे थे। तो ठीक उसी तरीके से सूर्य और गुरु का प्रभाव अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान पे होगा तो नौकरी के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु यहां भले नीच के हैं लेकिन चंद्रमा के उच्च दृष्टि, यहां पे गुरु की उच्च दृष्टि पड़ेगी, इस वजह से वो ठीक होगा। सूर्य की दशम स्थान पे डिग्री या दृष्टि जो है वो व्यक्ति को सरकारी दृष्टि या सरकारी लाभ देती है। दूसरे नंबर पे जन्म कुंडली में दशम स्थान के ऊपर या दशम स्थान के अधिपति से शनि का निकटस्थ होना और जन्म कुंडली में मंगल का शुक्र के साथ बैठना, जो लग्नेश हैं वो जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं सप्तम भाव के अधिपति के साथ, यानी कि लग्नेश और सप्तमेश का एक साथ जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठना, लग्नेश का पंचम भाव में बैठना व्यक्ति के अंदर ये गुण विकसित करेगा कि मैं समाज को कुछ दूं, लोगों को कुछ दूं, देश को कुछ दूं, देश के लिए कुछ करके जाऊं, ये बुद्धि व्यक्ति को विकसित उसके दिमाग में होती है, विचार बनते हैं। मंगल पंचम भाव में और शनि द्वितीय भाव में, मंगल शनि की राशि में, गौर करिए कुंभ राशि, और शनि वृश्चिक राशि में, यानी कि मंगल और शनि का परिवर्तन, और गौर करिए ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं लेकिन दोनों में से किसी ने एक दूसरे को देखा नहीं है,
इस वजह से ये कुंडली आगे बढ़ जाएगी, मतलब उलझेगी नहीं और फंसेगी नहीं। अब एक बात है कि चूंकि ये दोनों ग्रह केंद्र में हैं, इस वजह से जीवन में समस्याएं आ सकती हैं अलग तरीके की, जैसे एक्सीडेंट वगैरह का योग बनेगा क्योंकि मंगल का प्रभाव यहां रहेगा। चौथी दृष्टि से मंगल यहां देखेंगे और शनि राहु केतु मंगल सबका प्रभाव जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे होने से जब कभी भी जातक के जीवन में शनि मंगल राहु केतु की दशा चलेगी या पापक ग्रह या क्रूर ग्रह की दशा चलेगी तो निःसंदेह व्यक्ति एक्सीडेंट वगैरह से उसके प्रभाव में आएगा। क्लियर है? तो ये स्थिति यहां पे बन रही है, लेकिन वो जीवित हो जाएगा या बच जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे राहु बैठे हैं जिसकी आयु क्रमशः 100 वर्ष की होती है। राहु की आयु कितनी? शतायु बनाता है वो। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में अगर राहु बैठे हों या जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति अगर शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में आते हों तो व्यक्ति एक्सीडेंट तो जरूर भोगता है लेकिन कहीं ना कहीं रोगी होता है पर दीर्घायुष्य का वर भी मिल जाता है। गौर करिए, शुक्र जो अष्टम भाव के अधिपति हैं वो शनि से केंद्र में हैं और शनि की उस पर दृष्टि भी पड़ रही है, मतलब अष्टम भाव पे। इस वजह से व्यक्ति की आयु बढ़ेगी और साथ ही साथ राहु वहां उच्च के हैं, इस वजह से भी व्यक्ति को शतायु यानी कि 100 वर्षों वाला जीने वाला बना देते हैं। लेकिन इसकी दृष्टि यहाँ पे तो चलो ठीक है कि आयु व्यक्ति के पास है, नौकरी के योग भी मिल गए और लग्न में चंद्रमा है तो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा भी हो जाएगा, पर विलंब के साथ। कारण कि जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति एक ऐसे भाव में बैठे हैं जहां पे उसके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, या पंचम भाव में शुक्र जो है वो उच्चाभिलाषी हो जरूर रहे हैं लेकिन गुरु नीच के हो रहे हैं। इस कारण से कई बार थोड़ी बहुत मशक्कत देखने को मिल जाएगी। कारण उसका दूसरा ये रहेगा कि जो सूर्य बैठे हैं वो जन्म कुंडली में एक नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं। कोई भी ग्रह, याद रखिएगा ये सूत्र है, कोई भी ग्रह अगर किसी नीच के ग्रह के साथ बैठ जाता है, चाहे वो परम मित्र ही क्यों ना हो, सूर्य और गुरु दोनों परम मित्र होते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ बैठेंगे जिसमें से सूर्य अगर नीच के हो जाते या गुरु अगर नीच के हो जाते तो निसंदेह ये यकीनन आपको भरोसा कर लेना चाहिए कि वहां पे सूर्य का प्रभाव और गुरु का प्रभाव दोनों ही मिसमैच करेगा या दोनों में से सूर्य का प्रभाव डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, कमजोरी की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब है कि आपको मेहनत बढ़ानी चाहिए और क्योंकि ये तुला लग्न की कुंडली है जो एकादशवें भाव के प्रभाव को कमजोर करेगा। कैसे? क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं जो कौन होते हैं, वस्तुतः तुला लग्न की कुंडली के लिए ऋणेश होते हैं, यानी कि छठवें भाव के अधिपति का संबंध एकादशवें भाव के अधिपति के साथ हुआ है। यहां देखिए, छठवें भाव के अधिपति का संबंध एकादशवें भाव के अधिपति सूर्य के साथ हुआ है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में आरंभ विलंब से होता है और दारिद्र का दोष भी लगता है, जहां व्यक्ति की माता और व्यक्ति का मन दोनों ही विचलित होता रहे और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं पैदा करता रहे। इस कुंडली को यहां रोक करके आपको मैं एक और भी गंभीर बात बताता हूं। इनकी कुंडली में चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं जिसके अधिपति राहु होते हैं और इसके देवता वायु, यानी कि वायुदेव जो हैं वो इसके अधिपति, मतलब अधिपति तो राहु हो गए, यह नक्षत्र तो राहु का है पर इसके देवता जो हैं वो वायुदेव हैं। इस वजह से व्यक्ति को वात जनित समस्याएं होती रहती हैं क्योंकि राहु और वायु का संग होगा तो वात जनित समस्याएं होंगी। इसके कारण व्यक्ति को इधर उधर कहीं ना कहीं दर्द होता रहता है। इस वजह से जातक को हमेशा ही ये बहुत मैटर करती है चीज कि आपकी कुंडली का चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा है। हमेशा ही ओम वायवे नमः इसका जप व्यक्ति को करना चाहिए। अगर कोई बीमारी है तो इस वजह से व्यक्ति को गैस्ट्रिक पेशेंट होना पड़ता है, उसके चंद्रमा पे राहु का प्रभाव तो नहीं है, अगर राहु देख लेते तो और भी ये बात बढ़ जाती और वात जनित समस्याएं कई गुना बढ़ जाती। अभी आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, 2029 के अक्टूबर तक लाजवर धारण करिए तत्काल। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं लेकिन वो 2024 के छठवें महीने के बाद नहीं। अष्टम भाव पे राहु हैं, आपका दिमाग बहुत ज्यादा सवाल पूछता है और वो बहुत ज्यादा भ्रमित भी है। दरअसल कर्क लग्न की कुंडली या कर्क राशि का अधिपति अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा लग्न में बैठेगा तो निसंदेह वो आपको इमोशनल ज्यादा बनाए और गुरु अगर नीच के हैं
तो आपको कई बार सिर्फ दूसरों को सुन करके अपने निर्णय बदलने वाला भी बना देता है। आपके निर्णय जो आपने गलत लिए हैं या जिस पे आपको पश्चाताप होता है, वो उसको फिर से वापस अगर सही कर सकते हैं तो कर लीजिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि, उत्तरायण का जन्म, पौष माह में जन्मे हैं। माघ माह और पौष माह में जन्मे लोग बुद्धि से बलशाली होते हैं। शिशिर ऋतु में जन्मे हैं, शनि का ये ऋतु है, इस वजह से काम आपके विलंब से बनेंगे। सोमवार को जन्मे हैं, झगड़ालू नहीं है, शांत प्रवृत्ति है, झगड़ा मत करिएगा। कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं और बिल्कुल पिन पॉइंट पे हैं, मतलब वो थोड़े से आगे बढ़ जाते तो पापक हो जाते और बिल्कुल ही नष्ट प्राय हो जाते। तैतलकरण और शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण आपके पास एक अजीब तरीके का दोहरापन है या गंभीरता भी है। चंद्रमा लग्न में, गुरु से केंद्र में और गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में, यहाँ पे राहु की दृष्टि गुरु और सूर्य दोनों को प्रभावित कर रही है। राहु की दृष्टि 12वें भाव पे ये रोग पैदा करे, राहु की दृष्टि यहाँ पे ये ठीक नहीं है, ये कई बार व्यक्ति को परेशान करती है, चिंतित करती है, क्योंकि नीच की दृष्टि देखेंगे और राहु की दृष्टि यहाँ पे मित्र की दृष्टि तो देखेंगे पर सूर्य और गुरु दोनों को ही परेशान करेंगे, जिसके कारण व्यक्ति का लाभ, क्योंकि लाभेश नीच के ग्रह के साथ बैठे हैं। किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रह यश्य केंद्रे बृहस्पति वाली बात जरूर लागू होगी, परंतु फिर भी अगर लाभ भाव के अधिपति, छठे भाव के अधिपति के साथ और तुला लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन लाभेश अगर छठे भाव के अधिपति के साथ बैठ करके आपके मानसिक शांति को भंग कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। दरअसल ये युति भी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि मंगल के साथ शुक्र का बैठना, दो केंद्रों के अधिपति त्रिकोण में बैठ रहे हैं, लेकिन ये लग्नेश अष्टमेश भी होते हैं और ये सप्तमेश द्वितीयेश भी होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सप्तम और अष्टम और सप्तम और द्वितीय, सप्तम और केंद्र, ये दोनों के अधिपति का एक साथ आना कई बार व्यक्ति के दाम्पत्य को भी कमजोरी या विवाह में भी परेशानी या कई बार पत्नी को भी रोगी या कई बार पत्नी जो है वो संशयात्मक स्थिति को या प्रवृत्ति को पालने वाली हो जाती है। इस वजह से आपको उनका भरोसा हमेशा ही जीतने का प्रयास करना ही होगा। दूसरे नंबर पे काम की वृत्ति बढ़ती है, कामातुर कामाशक्त काम में लीन होने की स्थिति बढ़ती है, क्योंकि आप तुरंत ही भटक जाएंगे। हालांकि ये स्थिति थोड़ी कम है और मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि सूर्य और गुरु केंद्र में है, ये कम है, प्रवृत्ति चंचलात्मक है, केंद्र में चंद्रमा बैठे हैं, केंद्र में गुरु और सूर्य का बैठना व्यक्ति को कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होने देता, मोरालिटी उसकी कभी भी डाउन नहीं होती। ये यहाँ तक बात रही। अब आगे बात करते हैं भाग्य का बल कैसा है। तो भाग्य भाव के अधिपति का भाग्य को देखना और भाग्य के कारक वस्तुतः नीच के हैं, इस वजह से उन्होंने सूर्य को भी प्रभावित जहाँ किया है, लेकिन बुध के ऊपर किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है और वो पीछे शनि और आगे सूर्य से प्रभावित है। हालांकि इसे पाप कर्त्री नहीं कहा जा सकता, लेकिन चंद्रमा और बुध का संबंध तृतीय एकादशवें का है। व्यक्ति अपनी बुद्धिमता के बल पे अपने किए गए प्रयास में सफल हो जाता है और साथ ही साथ अपने भाग्य का संपूर्ण लाभ भी उसको प्राप्त होता रहता है। गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में 12वें भाव पे है, गुरु की दृष्टि दशम भाव पे है और गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पे है। रिसर्च, पूजा पाठ, ध्यान और समाधि, ये सारी चीज़ें और लिखने का काम बहुत अच्छा होता है और क्रिएटिविटी, उसके पास जो कलात्मक रुचियां होती हैं, जो कलात्मक जो शक्ति होती है बड़ी ही तीव्र होती है। डिग्री के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा सूर्य थोड़े कमज़ोर हैं, चंद्रमा ठीक है, बहुत अच्छे हैं। मंगल जन्म कुंडली में बहुत परिणाम अच्छे देंगे, हालांकि वो अच्छे होते नहीं हैं। गुरु जन्म कुंडली में, बुध जो है वो जन्म कुंडली में अच्छे परिणाम देंगे, गुरु जन्म कुंडली में कमज़ोर होंगे, शुक्र जन्म कुंडली में बढ़िया परिणाम देंगे 100% का, शनि आपकी कुंडली में कमज़ोर होंगे। इसका मतलब है कि जन्म कुंडली का जो सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, जो तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि योग कारक होते हैं और ये ग्रह जो है वो जन्म कुंडली में परिवर्तन योग बना करके और भी ज़्यादा अपने प्रभावों को एस्टेब्लिशमेंट दे रहा है, मजबूती दे रहा है, परंतु वो कई बार डिग्री के प्रभावों में कमज़ोर हो करके, लेकिन चूंकि उनकी तीसरी दृष्टि अपनी राशि पे, और गौर करिए तो यहाँ के अधिपति परिवर्तन में है शनि और मंगल का, इस वजह से इससे जो है वो शनि मंगल का संबंध बन रहा है इस भाव से, और शनि इस भाव के अधिपति होकर के उसको देख रहे हैं, इस कारण से व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं
सरकारी नौकरी से में सफलता अर्जित करता है और साथ ही साथ वो कई बार उसके चपेटे में भी आता है, मतलब उस पर कई बार इंक्वायरी भी बैठ सकती है। इस वजह से आपको उसमें भी सतर्क होना चाहिए और कोई भी ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए क्योंकि मंगल के साथ शुक्र पहले ही विराजमान है, जिससे कई बार आप पे आक्षेप या आरोप प्रत्यारोप का कोई नया दौर चालू, और खास करके अभी शनि की दशा में। इसके अतिरिक्त नवमांस कुंडली में शुक्र का यहाँ उच्च का होना ये बहुत अच्छी बात, मंगल का स्वग्रही होना, यहाँ बुध और शनि का एक साथ आना, जानकारी से युक्त और राहु गुरु सूर्य चंद्रमा का यहाँ पे एक साथ बैठना, कई बार थोड़ी बहुत कमजोरी, हालांकि गुरु यहाँ पे 10 नंबर में, यहाँ भी 10 नंबर में वर्गोत्तम ग्रह बलवान हो जाए तो और भी ज़्यादा वो एस्टेब्लिशमेंट को प्राप्त कर जाता है और जितनी भी उसकी कमजोरियाँ होती हैं वो मजबूती में बदल जाती हैं। यहाँ पे आप जब गौर करेंगे तो दशमांश कुंडली में लग्न में शनि और सूर्य शुक्र का एक साथ बैठना, चतुर्थ भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, दशम भाव के अधिपति का सप्तम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, बुध का यहाँ नीच का होना, सूर्य गुरु और मंगल का एक साथ आना, व्यक्ति के पास कन्विंसिंग कैपेसिटी और शिक्षकीय गुणों से युक्त व्यक्ति पदाधिकारी और पदाधिकारी के सन्निकट जाकर के काम करने वाला होता है, मतलब उसके बहुत ज़्यादा कनिष्ठ पहुँच करके अपनी जीवन यात्रा सफल कर देता है। मतलब अगर कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत पदस्थ हो जाएं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर कह सकता हूँ कि उसके निकट जाकर के हो सकता है कि आरंभ में एक छोटे से पद से आपके जीवन की यात्रा नौकरी की शुरू हो, बाद में जाकर के आप पद पे विभूषित हो जाएं। ऐसे योग आपकी कुंडली में ज़्यादा देखे जा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली में सूर्य और गुरु को बलवान बनाना है, इस वजह से एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहिए, रविवार को नमक का सेवन बंद कर देना चाहिए, सूर्य को अर्घ, वायवे नमः का जप और नारायणाय नमः का जप, ये सब आपको कर लेना चाहिए। सूर्य को अर्घ मैंने बताया, उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं, उनका अपना नक्षत्र है, गुरु उत्तराषाढ़ा के बैठे हैं, वो मित्र के नक्षत्र में मित्र के साथ है, इस कारण से और वर्ग उत्तम हो जाने से बलि भी हो जाएंगे, पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसका ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में आपको अभी स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा तो अभी परेशान नहीं करे, पर हाँ आपकी कुंडली में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जो होगी वो मैं समझता हूँ कि एक वक्त जब आए आपकी कुंडली में वो वक्त रहेगा 2041 में, और एक वक्त आपको परेशान कर सकता है 2024 से लेकर के 27 तक, यानी कि ये 3 वर्ष आपको थोड़ी बहुत मशक्कत में या यात्राओं में या परेशानियों में उलझा सकते हैं। अगर नौकरी ना लगे तो आप पढ़ने पढ़ाने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, समाज को डायरेक्शन देने का काम आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आप जमीन के अंदर की चीज़ों को निकाल करके बेचने का कारोबार भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा रहेगा, मतलब खादान से संबंधित क्षेत्रों में आपका काम बहुत अच्छा रहेगा, ये काम भी आपकी कुंडली में बनता है। इसके अतिरिक्त आप कंस्ट्रक्शन साइट या कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खोल सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप फलों का कारोबार और खेती से संबंधित अनाज का कारोबार भी कर सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आपकी कुंडली में 5 अंक शुभदायी है, शुक्रवार का दिन और शनिवार का दिन शुभदायी है। इसके बाद आपकी कुंडली में मिथुन राशि अच्छी होगी, कुंभ और मीन मकर राशि अच्छी होगी, मीन राशि नहीं, आपकी कुंडली में ये चीजें। अच्छी बात क्या है, लग्न में चंद्रमा का बैठना, गुरु और सूर्य का एक साथ बैठना थोड़ी कमजोरी के साथ, शनि केतु का प्रभाव यहाँ पे थोड़ी बहुत वैराग्य की स्थिति, गंभीर बहुत ज़्यादा मेंटल एस्टेब्लिशमेंट अनएस्टेब्लिशमेंट की तरफ बढ़ती हैं। बुध का यहाँ बैठना बहुत अच्छा नहीं होगा, हालांकि बहुत अच्छा तो उसे नहीं ही कहूँगा, हालांकि इस मामले में वो अच्छे होंगे कि कम से कम भाग्य भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव की स्थिति अच्छी होगी, कम से कम आप गलत और निंदनीय कृत्य नहीं करेंगे। मंगल और शुक्र आपको डरा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं लोगों के द्वारा, दुश्मन वगैरह से कभी भी झगड़ा मत करिएगा, ऋण वगैरह किसी को मत दीजिएगा, ले लेंगे दे देंगे तो नुकसान में रहेंगे। यहाँ की स्थिति जो है वो ठीक है, थोड़ी कमजोरीपन के साथ। यहाँ रिसर्च वाला क्षेत्र और पेपर वर्क आपका बहुत अच्छा है, और घुस करके किसी भी चीज़ में से कोई भी चीज़ निकाल लेना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, सामने वाले के मन में कौन से भाव चल रहे हैं और उसके विचार कौन से हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है। भाग्य भाव ठीक है, पितरों का आशीर्वाद ठीक है, दाम्पत्य का सुख बढ़िया है, बड़े पुत्र से मतभेद हो सकते हैं, उस पर थोड़ा सा लगाम की आवश्यकता होगी, और वो कभी भी गलत और निंदनीय ना हो, उसके विचार गंदे ना हो, इस पर आपको काम करना होगा, वो गलत दिशा में भ्रमित ना हो, इस पर आपको काम करना होगा। अल्टीमेटली बता दूं, दाम्पत्य का सुख आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है, उस पर कोई घबराने की बात नहीं है, आपकी पत्नी नौकरी में भी जा सकती हैं, अगर चाहें तो उस पर भी मेहनत करवाया जा सकता है। शुक्र हमेशा ही आपकी कुंडली में आपको पद देंगे, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में
गुरु का बल अच्छा है, सूर्य का बल अच्छा है, बुध का बल अच्छा है, शुक्र का बल अच्छा है, चंद्रमा का बल कमजोर है, मंगल का बल कमजोर है, शनि का बल कमजोर है, ये बात मैं बोल रहा हूं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में दाम्पत्य का सुख तो है ही, संतान का सुख भी अच्छा है, थोड़ी बहुत कमजोरी बन के साथ। टोटल चीजें मैंने बता डाली हैं। नक्षत्र के आधार पर आपकी कुंडली में मैं अगर बात कहूं तो आपको कोशिश ये करना चाहिए, स्वाति नक्षत्र में यात्रा आपके लिए बड़ा लाभदायक नहीं होगा, थोड़ा बच के रहना होगा। दान वगैरह करना होगा तो इस नक्षत्र का भी चयन किया जा सकता है। उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद आपकी कुंडली में परीक्षा देने के मामले में या फिर फॉर्म वगैरह भरने में ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। मृगशिरा अच्छा रहे, विशाखा थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ, अनुराधा भी ठीक है, और पुनर्वसु और पुष्य भी अच्छे हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। स्वभाव तुला का है, आप थोड़े स्वार्थी हो सकते हैं, इस पे थोड़ा काम करना होगा। उसके अतिरिक्त आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, और जितनी बार आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं उतनी ही बार आप उतने ही पीछे हो जाते हैं, तो भाग दौड़ को और भी थोड़ा कम करने की आवश्यकता है और स्मूथली चलने दीजिए। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।